नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। दिल्ली नगर निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल का जादू चल गया। आम आदमी पार्टी ने MCD चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए बहुमत हासिल कर लिया है। MCD की कुल 250 पार्षद सीटों में आम आदमी पार्टी ने 134 सीट जीती है, जबकि BJP ने 104 सीट तो कांग्रेस ने दहाई के आंकड़े को नहीं छू पाई है। बता दें कि MCD की 250 सीटों पर 4 दिसंबर को मतदान हुआ था। इन चुनाव में 250 वार्ड में कुल 1349 उम्मीदवार मैदान में थे। अब दिल्ली नगर निगम में जीते हुए पार्षद मेयर का चुनाव करेंगे। इस खबर पर हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव हमसे जुड़ेंगे। गौरव, दिल्ली MCD चुनाव में आम आदमी पार्टी ने BJP के 15 सालों के सत्ता पर कब्जा कर लिया है। जी बिल्कुल मयूरी, यहां पर जो कब्जा हुआ है वो 15 साल पुरानी जो एक इतिहास चला आ रहा था उस पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर अपना परचम लहरा दिया है। वो आम आदमी पार्टी जिसकी शुरुआत 2012 में हुई, उसके बाद यहाँ पर समय दिल्ली में लगातार उनकी 3री बार सरकार है। मैपुर यहाँ पर जीत माने क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने 85 सीट ज़्यादा लेकर चुनाव जीता है वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। अगर हम पिछले चुनाव की बात करें मयूरी, तो यहाँ पर उस समय 272 सीटें हुआ करती थी और तब भारतीय जनता पार्टी 181 सीट पर जीती थी। आम आदमी पार्टी की बात करें 49 सीटों पर जीती थी और कांग्रेस 31 सीटों पर जीती थी। पर यहाँ पर उलटफेर बड़ा हुआ है और यहाँ BJP 77 सीट हार गई है, 104 पर सिमट गई है। आम आदमी पार्टी यहाँ पर जो 49 सीटों पर थी, अब आम आदमी पार्टी यहाँ पर 85 सीट ज़्यादा जीत कर यानी 134 पर आ गई है। और जो कांग्रेस जो 31 सीटों पर थी पिछली बार के चुनाव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस 22 सीटों के नुकसान पर है, 9 सीटों पर सिमट गई है, यानी 31 सीटें थी और केवल कांग्रेस की पास 9 सीटें बची हैं। तो निश्चित रूप से बड़ा फेरबदल यहाँ पर हुआ है और यहाँ पर जिस तरह से दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की, अब यहाँ पर MCD में भी आम आदमी पार्टी की प्रमुखता चलेगी क्योंकि MCD चुनाव में जो जिसके जिस पार्टी के लोग ज़्यादा होते हैं वही मेयर चुनते हैं, वही व्यवस्था लागू होती है। हालांकि यहाँ अगर मेयर की बात करें तो यहाँ पर मेयर 1 साल के लिए चुना जाता है, पार्षद यहाँ पर 5 साल के लिए चुना जाता है। अगर मेयर की बात करें तो यहाँ पर पहला जो मेयर चुना जाता है चुनाव के बाद वो पहली महिला रखी जाती है। उसके बाद जो 3रे साल की बात करें अनुसूचित जाति का यहाँ मेयर रखा जाता है, बाकी 3 साल आप सामान्य वर्ग से यहाँ पर रख सकते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर बड़ी जीत हमारी पार्टी के लिए है और अभी गुजरात चुनाव के नतीजे भी आने बाकी हैं, हिमाचल प्रदेश के नतीजे आने बाकी हैं और फिलहाल आम आदमी पार्टी के लिए एक जो शुरुआत है वो बेहतर हुई है। गौरव, दिल्ली MCD चुनाव में तमाम पार्टियां मैदान में उतरी थी, वहीं आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। किन मुद्दों के साथ आम आदमी पार्टी मैदान में उतरी थी? देखिए, आम आदमी पार्टी की जो मेन उनका लीड है वो लीड है आपकी मुफ्त बिजली की बात करें या मुफ्त शिक्षा की बात करें या मोहल्ला क्लिनिक की बात करें, और हमेशा वो स्वच्छ अभियान को लेकर बात करते रहते हैं। हमने देखा कि जिस तरह से अभी हाल में ही उनके तमाम मंत्रियों पर यहाँ पर गाज गिर रही थी, तमाम मंत्रियों पर यहाँ पर तमाम तरह की बातें कही जा रही थी, वीडियो भी वायरल हो रहे थे, पर जिस तरह से यहाँ पर जनता ने फैसला लिया है तो कहीं ना कहीं जनता का ये सोचना भी है कि आम आदमी पार्टी का जो काम है वो पिछले 2 कार्यकाल से अच्छा रहा, तभी 3रे कार्यकाल में इस बात उनको दोबारा उनको सत्ता दी थी और निश्चित रूप से सत्ता मिली है उसके बाद आम आदमी पार्टी लगातार यहाँ मेहनत करती नजर आ रही है और जो मेहनत का नतीजा है कि तमाम कयासों को यहाँ दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 85 सीट पर नुकसान देते हुए और आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर जीत दर्ज की है और निश्चित रूप से आने वाली जीत यहाँ पर निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी के संजीवनी का काम करेगी और ऐसा कुछ परिणाम शायद आम आदमी पार्टी गुजरात में उम्मीद करती होगी। फिर गुजरात में क्या होगा मयूरी वो पक्ष बताएगा, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लगातार सक्रिय होती चली नजर आ रही है। पहले आप दिल्ली की बात करें, वहाँ पर जीत दर्ज की, 3री बार सरकार बनी, उसके पंजाब में 92 सीट दर्ज कर वहाँ पर भगवान मान सरकार में आई। इसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि गुजरात में भी वहाँ पर ताल ठोकती नजर आ रही है और गुजरात चुनाव की बात करें तो कहा जा रहा है गुजरात चुनाव भी मुख्य रूप से यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा के बीच ना होकर आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच नजर आ रहा है। गौरव, अगर देखें तो MCD चुनाव में BJP ने भी अच्छी खासी बढ़त बनाई है, लेकिन अगर कांग्रेस को देखें तो उसके हिस्से में कम ही वार्ड आए हैं। कहाँ चूक रह गई इन पार्टियों से?
नहीं, कांग्रेस तैयारी, देखिए अगर आप तैयारी करेंगे तभी कुछ बेहतर होगा। यहाँ पर कांग्रेस पहले 31 सीट थी, इसके पहले उसके बाद अब यहाँ पर 9 सीटें आई हैं, 22 सीटों का नुकसान हुआ है। नुकसान क्या हुआ है? प्रचार नहीं हुआ है। राहुल गांधी यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और उनके तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं उनकी यात्रा में लगे हुए हैं। जब प्रचार नहीं होगा, जब वहाँ पर एक रणनीति नहीं होगी, तो जो परिणाम आए, परिणाम ऐसे ही आने, तो ऐसे परिणाम आए भी हैं। और कांग्रेस पार्टी शुरू से बोलते चली आ रही जो चुनाव को लड़ती है, चार परिणाम बेहतर आएंगे, पर मेरे ख्याल से यहाँ कांग्रेस द्वारा चुनाव लड़ा ही नहीं गया, ना व्यापक प्रचार किया गया। जब प्रचार होता तो चार परिणाम कांग्रेस पक्ष में आते, और कम से कम पिछली बार जैसी स्थिति तो होती, पर यहाँ पर जैसे 9 सीटें आई हैं तो लगभग मान लीजिए 9 सीटें केवल नाम की है, और कांग्रेस पार्टी की MCD से जो भूमिका है वो लगभग खत्म हो गई है। गौरव, MCD चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है, तो आम आदमी के कार्यकर्ताओं में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, यहाँ पर संजीवनी मिली है, उसके अभी देख रहे लगातार जश्न का माहौल है। पहले दिल्ली में सरकार, फिर उसके पंजाब में सरकार, पंजाब में सरकार के बाद यहाँ पर MCD में जिस तरह से उनको तमाम कयासों दरकिनार कर दिया है, जहाँ पर BJP अपनी जीत के दावे कर रही थी, तो निश्चित रूप से यहाँ पर आम आदमी पार्टी को बहुत यहाँ पर अच्छा एक संजीवनी मिली है, टॉनिक मिल गया है कि गुजरात चुनाव में जिस तरह से उनका अगर और बेहतर परिणाम आएंगे तो निश्चित रूप से इसका उनको लाभ, उनको आगामी निकाय चुनाव जो कि उत्तर प्रदेश में होने, उसमें भी लाभ मिलेगा, पूरे दमखम के साथ जुटेंगे। और कहीं ना कहीं अगर पार्टी कहीं किसी भी देश राज्य में जीतती है, किसी चुनाव को जीतती है, तो कहीं ना कहीं पार्टी के जो लोगों के बीच एक उत्साह जो आता है मयूरी, वो काबिले तारीफ होता है। और यही उत्साह आने वाले चुनाव में पार्टी के लिए संजीवनी काम करता, टॉनिक का काम करता है, स्फूर्ति का काम करता है, जिससे आने वाले चुनाव पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए बेहतर हो जाता है। जी धन्यवाद गौरव तमाम जानकारियों के लिए। समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। उनके खिलाफ अब तक 13 मामले दर्ज हो चुके हैं। कानपुर के सीसामऊ में सपा विधायक पर बुधवार को 2 नई FIR दर्ज की गई है। सपा विधायक इरफान सोलंकी और भाई रिजवान सोलंकी पर 2 नए केस कानपुर पुलिस ने की ओर से दर्ज किए गए हैं। उन पर गुंडा टैक्स मांगने और जान से मारने की धमकी देने के ये मामले दर्ज किया गया है। विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी के साथ पार्षद मुरसलीन खान समेत 22 FIR दर्ज की गई है। जाजबाग थाने में कल 2 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं, एक्सटॉर्शन, जमीन पे कब्जा करना, रंगदारी करना, इस तरह के अभियोग हैं, और तदनुसार धाराओं में अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। इसकी विवेचना जो है विवेचकों को कल दे दी गई है, बाकी कार्यवाही जो है वो विवेचक करेंगे। इस खबर पर हमारे संवाददाता उपेंद्र हमसे जुड़ेंगे। उपेंद्र, सपा विधायक इरफान सोलंकी और भाई रिजवान सोलंकी पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है, अब 2 नए केस और दर्ज हो गए हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर? जी मयूरी, आपको बताते चले जो इरफान सोलंकी और उसके भाई रिजवान सोलंकी पर जो मुकदमा दर्ज किए गए हैं, उस पर देखा जाए कहीं ना कहीं मोहम्मद अकील और मोहम्मद समील के जो है ये भाजपा नेता, इन्होंने जो है आज जो कल जाकर कमिश्नर से मिलकर ज्वाइंट कमिश्नर से मिला, आनंद प्रकाश तिवारी से मिला है, और उन्होंने देखा जाए कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो अपनी तहरीर दी है उस तहरीर के आधार पर प्रार्थना पत्र बिल्कुल ले लिया गया और मुकदमा पंजीकृत किया गया। देखा जाए तो जो मुकदमा लिखा गया वो 202 और 429 और देखा जाए तो 386 रंगदारी के ऐसे संगीन धाराओं में जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया था। और कहीं ना कहीं देखना सवाल ये है कि जो पुलिस जो है इरफान सोलंकी गिरफ्तारी तो कर नहीं पाई थी, इरफान सोलंकी जो है लगातार जो फरारी काट रहे थे, उसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाए उसको सरेंडर किया, और सरेंडर करने के बाद तो एक सवाल देखा जाए कहीं ना कहीं सवाल था कि अगर विधायक आरोपी नहीं थे तो इनको पहले ही पुलिस कार शैली पर आकर के उसी दिन आकर के सरेंडर करना चाहिए था या मिलना चाहिए था करके, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुलिस इरफान सोलंकी को कानपुर में 2013 को जो मेडिकल कॉलेज कांड हुआ था जिसमें 250-300 जो मेडिकल स्टूडेंट उसमें घायल हुए थे, उसमें इरफान सोलंकी का अहम रोल रहा। और उसके बाद कहीं ना कहीं देखा था अभी लेटेस्ट पिछले साल की बात है जफर आसमी वाला जो कांड हुआ था उसमें देखा के देखा था उसमें भी इरफान सोलंकी का अहम रोल कहीं ना कहीं नजर आया, क्योंकि इनके करीबी नेता नदीम कुरैशी पकड़े गए थे। और उसके बाद देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये रंगदारी जो मामला लिखा जा रहा है ये पूरी तरीके से इसके बाद जो पुलिस सरेंडर की है, पुलिस सरेंडर किया इरफान सोलंकी ने, उसके बाद इस पर जो नई 2 नए मुकदमे लिखे गए हैं वो एक बहुत बड़ा सवाल है। जी उपेंद्र, लगातार विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कल निर्देश दिया गया था कि उनके लाइसेंसी हथियार की जांच की जाए, और आगे क्या कुछ हो सकता है, क्या कार्रवाई की जा सकती है, क्या कुछ सामने आ सकता है?
जी अगर पता चले इरफान सोलंकी की जो देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया कि एक प्रावधान है नियम संविधान में कि अगर 10 साल के ऊपर सजा अगर होती है तो उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो विधानसभा जो सदस्य होते हैं उसके पद से उनको इस्तीफा भी देना पड़ेगा। पर देखना कहीं ना कहीं पुलिस अगर जो इस मामले में जो मोहम्मद नशीफा जो महिला थी जिसका कांड हुआ था उसको लेकर के अगर देखा जाए पुलिस चार्जशीट अगर लगा लेती है और उसको पेश कोर्ट में पेश करती है तो कहीं ना कहीं अगर सजा और सजा मिलती है इरफान सोलंकी और इरफान सोलंकी के भाई को तो फिर उसके बाद देखा जाए कहीं इनको विधानसभा का सदस्य पर इस्तीफा देना पड़ेगा सदस्य। जी धन्यवाद उपेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जिम्मेदार लापरवाह दिखे हैं। आपको बता दें कि एक पत्रकार अपने परिवार का इलाज कराने पहुंचा तो वहां पर इमरजेंसी रूम में बेड पर कुत्ते सोते नजर आए और इलाज कराने आए तीमारदार जमीन पर बिस्तर लगाकर सो रहे हैं। रात में जिन डॉक्टरों की ड्यूटी इमरजेंसी में लगी होती है वह अपनी ड्यूटी करने में असमर्थ दिखते हैं। इस अस्पताल में किसी भी तरीके की कोई व्यवस्थाएं नहीं है। व्यवस्थाएं ना होने से मरीजों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और वहीं जब जिम्मेदारों से बात की जाती है तो टाल मटोल करते नजर आते हैं। ना होने से मरीजों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं मरीजों की जगह आराम फरमाते कुत्ते नजर आ रहे हैं जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको बता दें सीएससी कर्मचारियों की भारी लापरवाही देखने को मिली है। बता दें अस्पताल के बेड पर कुत्ते आराम फरमाते नजर आ रहे हैं। सीएससी कर्मचारियों की भारी लापरवाही देखने को मिल रही है। बता दें लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। मरीज की जगह कुत्ते बेड पर आराम फरमाते नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं वही तीमारदार जमीन पर बिस्तर बिछाकर सोने को मजबूर हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल बेहाल नजर आ रहा है। खीरी के गोला गोकर्णनाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जिम्मेदार लापरवाह दिख रहे हैं। आपको बता दें कि एक पत्रकार अपने परिवार का इलाज कराने पहुंचा तो वहां पर इमरजेंसी रूम में बेड पर कुत्ते सोते नजर आए। कर्मचारियों की भारी लापरवाही देखने को मिल रही है। इस खबर पर हमारे संवाददाता धीरज तिवारी हमसे जुड़ेंगे। धीरज, सीएससी कर्मचारियों की भारी लापरवाही देखने को मिली है। इमरजेंसी रूम बेड पर कुत्ते सोते नजर आए हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए आपको बता दूं लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का पूरा मामला जहां से ये वीडियो वायरल हुआ है। तो जिस तरीके से एक रात करीब 2:30 बजे के करीब जो एक पत्रकार का परिवार बीमार था उसको लेकर वो जिला अस्पताल सीएससी पहुंचता है, वहां पर जब देखता कि इमरजेंसी में जो डॉक्टरों की ड्यूटी लगी है वहां पर वो भी नहीं मौजूद है, उसके बाद में जो इमरजेंसी बेड अस्पताल में बनाए गए हैं जिन पर मरीजों का इलाज होता है, जिन पर मरीज लिटाए जाते हैं, लेकिन उस वहां पे जब नजारा ये देखने को मिला कि इमरजेंसी बेड जो है उन पर
कुत्ते आराम फरमा रहे, तो कहीं ना कहीं ये एक जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है उस पर बिल्कुल एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि जिस तरीके से जिले के आला अधिकारियों ने बराबर बयानबाजी की है, बराबर स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरने की जो बात कह रहे हैं, लेकिन वहीं अगर गोला गोकरणनाथ की जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर कोई इमरजेंसी बेड पे कुत्ते आराम फरमा रहे, तो ये एक जरूर प्रश्न चिन्ह लगता हुआ। इसी को लेकर हमारी जो जिले के स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी हैं, सीमो हैं, उनसे हमारी बात हुई है, उनसे हमने जानकारी करने का प्रयास किया, तो उन्होंने अपनी सफाई में जरूर ये बात कही है कि ये एक वीडियो वायरल हुआ था जो हमारे संज्ञान में आया, उसके बाद में हमने जो एक टीम बनाई, टीम गठित की है, टीम ने जांच की, आज शाम को जो रिपोर्ट पेश करेगी कि क्या है पूरा मामला। धीरज, बड़ी लापरवाही सामने आई है, अब वीडियो भी वायरल हो गया है, कुत्ते बेड पर सोते नजर आ रहे हैं मरीज की जगह, तो इस पर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? बिल्कुल, अभी तक इस मामले में कोई स्वास्थ्य विभाग की तरफ से या जिले के आला अधिकारियों की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन जिस तरीके से हमारी बात हुई, हमने जानकारी का प्रयास किया कि इस मामले पर क्या अभी तक कोई कदम कार्रवाई की गई है या कोई ठोस कदम उठाया गया, तो जिस तरीके से बताया गया है कि जांच टीम गठित की गई थी, आज शाम तक जांच रिपोर्ट पेश करेंगे, और सीमो साहब ने सफाई देते हुए बताया कि करीब ये 3 बजे रात का मामला है जो वीडियो है, अब वहां पर कौन वार्ड वाइज ड्यूटी पर था, कौन था, अब ये जांच का विषय है, हमने टीम गठित की, वो जांच कर रही, आज शाम तक रिपोर्ट पेश करेगी। धीरज, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला है ये, तो इस पूरे मामले पर स्वास्थ्य केंद्र का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, गोला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला, जहां पर गोला में जो तैनात हैं डॉक्टर, उनसे हमारी वार्ता, हमने वार्ता का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कोई भी जानकारी देने से या कोई भी बात कहने से साफ इनकार करते हुए कैमरे से बचते हुए नजर आए हैं। जी धन्यवाद धीरज तमाम जानकारियों के लिए। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में JSPG डिग्री कॉलेज स्टाफ ने हिजाब में छात्राओं को कॉलेज में दाखिल होने से रोका है, साथ ही छात्राओं के लिए चेंजिंग रूम का भी इंतजाम किया गया है। हाल ही में AVVP के छात्रों के प्रदर्शन के बाद कॉलेज में ड्रेसिंग कोड लागू किया गया है। कॉलेज प्रबंधन के फैसले के विरोध में छात्राओं के परिजनों ने कॉलेज परिसर में हंगामा किया, सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझा कर शांत कराया। मैं अफसान हूँ, छात्रों के इसकी आवाज़ शुरू से उठाता चला आया हूँ। 2020 में यहाँ से मैं पास आउट हूँ, उसके बाद ऐसा हुआ कि यहाँ पे कुछ लड़कियाँ आई हिजाब में और बुरखे में, तो उन्हें जो कॉलेज स्टाफ की तरफ से रोका गया। कौन से कॉलेज में? ये JSPG कॉलेज है, इसके कॉलेज स्टाफ की वजह से उन्हें रोका गया और वापस लौटा दिया। सिर्फ हमारी एक ही मांग थी, मेरी लास्ट टाइम प्रिंसिपल सर से बात भी हुई थी कि उनके लिए एक रूम अवेलेबल कर दिया जाए, वो बुरखे में आएंगी और अपनी चेंजिंग रूम में जाकर चेंज करके क्लास चलाएंगी और वापस आ जाएंगी, लेकिन उन्हें यहाँ रोका गया और अब कोर्ट इंस्पेक्टर साहब आए हैं, उन्हें हमने अपनी बात समझाई, उन्होंने रूम अवेलेबल कराया है, उससे और कोई इशू नहीं है, सब ठीक है। बता दें PG कॉलेज में हिजाब वैन मामले को लेकर एक बार फिर से मामला गरमाता हुआ नजर आ रहा है, वहीं छात्राओं के परिजनों ने भी जमकर हंगामा काटा है हिजाब को लेकर। कि सिकंदराबाद में JSPG डिग्री कॉलेज स्टाफ ने हिजाब में छात्राओं को कॉलेज में दाखिल होने से रोका है, साथ ही छात्राओं के लिए चेंजिंग रूम का भी इंतजाम कराया गया है। हाल ही में ही AVVP के छात्राओं के प्रदर्शन के बाद कॉलेज में ड्रेसिंग कोड लागू किया गया है। इस खबर पर हमारे संवाददाता विशाल हमसे जुड़ेंगे। विशाल, हिजाब को लेकर एक बार फिर से मामला गरमाता हुआ नजर आ रहा है, छात्राओं को कॉलेज में दाखिल होने से रोका गया है, क्या कुछ पूरा मामला है? मैं आपको बता दूं,
जनपद साहब को लेकर जो उसमें छात्राओं को बाहर निकाल दिया गया था और जिसने कॉलेज की ट्रेन का पहुंची थी छात्राएं देखो ही बाहर निकाल दिया था तो जिसमें कि भारी मात्रा में हंगामा किया गया है। धन्यवाद विशाल तमाम जानकारियों के लिए। चार बजे की चार बड़ी खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।